हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए हैं रामकृष्ण आश्रम दिल्ली में। तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको फुल डिटेल्स बताएंगे रामकृष्ण आश्रम दिल्ली के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। आर के आश्रम मार्ग है यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन के एकदम पास ही है रामकृष्ण आश्रम दिल्ली। हफ्ते में 7 दिन आश्रम खुला रहता है, और यहाँ का विजिटिंग टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, तो अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे। तो चलते हैं अंदर। ये है मेन मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए हमने वीडियो नहीं किया। अंदर की व्यू ऐसा था। मेन मंदिर में एंट्री करने के बाद मन में एक अलग ही शांति मिलती है। और ये है मंदिर का बाहर का व्यू। मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ है, जो देख के बहुत अच्छा लगता है। और मेन मंदिर के पास है एग्जीबिशन हॉल, जहाँ पे 2 3D शो देखा जाता है, और टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। ये है एग्जीबिशन हॉल। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी और रामकृष्ण देव जी के ओल्ड मेमोरी और उनके होल लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है। नाव में बैठा कर चश्मा पहना के यहाँ पर एक 3D शो दिखाया जाता है। और दूसरा शो स्वामी जी ने अमेरिका में जो स्पीच दिया था उसके ऊपर है। दोनों ही शो बहुत ही खूबसूरत है, जिसको देखकर आप रियल में सब कुछ फील कर पा रहे होते हैं। सन 1987 में स्वामी अंबिकानंद ने दिल्ली के ग्रास्टिन बस्टिन रोड में एक रेंट के घर पे कई भक्तों के उपस्थिति में दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम को स्टार्ट किया था। इसके बाद आश्रम को दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बिल्डिंग के नींव की पहली शिला स्वामी शिवानंद जी ने रखा था, और जिस शिला को बेलूर मठ से लाया गया था। और ये है यहाँ का विवेकानंद ऑडिटोरियम, जिसके अंदर एक लाइब्रेरी भी है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो UPSC के लिए तैयारी कर रहे होते हैं वो पढ़ाई करने आते हैं। सिर्फ मेंबर ही अंदर जा सकते हैं और बुक कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ का बुक स्टॉल, जहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा बुक मिलता है। तो चलिए अब हम बुक स्टॉल के अंदर जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा हिंदी, इंग्लिश और बंगाली बुक देखने को मिलेगा आपको। बहुत अच्छा बुक का कलेक्शन है। तो हम बंगाली बुक के स्टॉल में आए हैं बुक खरीदने के लिए। सिर्फ बुक ही नहीं, यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी और रामकृष्ण देव के बहुत अच्छा अच्छा फोटो फ्रेम भी मिलेगा। आश्रम के बाकी स्वामी जियों का फोटो फ्रेम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और बाकी पूजा के चीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत था स्टॉल। आश्रम में संध्या आरती 7:30 बजे होता है, तो अगर आपको आरती देखना है तो आप समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आए। तो चलिए अभी वापस चलते हैं। बहुत ही मन को शांति मिली यहाँ पर आकर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।